राजस्थान के बारां की दो नाबालिग बहनों से गैंगरेप की हाथरस की घटना से तुलना पर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि लड़कियों ने खुद मजिस्ट्रेट के सामने दिए बयानों में अपने साथ जाती नहीं होने और मर्जी से लड़कों के साथ घूमने जाने की बात कही है। हालांकि इस मामले में लड़कियों के परिवार वालों का कहना है कि 18 से 21 सितंबर तक युवक दोनों को कोटा, जयपुर और अजमेर ले गए और गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की। उनके मुताबिक पुलिस ने लड़कों को तो छोड़ दिया, वहीं लड़कियों को सखी केंद्र भेज दिया। इस पूरे मामले में सफाई देते हुए सीएम गहलोत ने कहा, हाथरस में हुई घटना बेहद निंदनीय है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। दुर्भाग्य से राजस्थान के बारां में हुई घटना की हाथरस की घटना से तुलना की जा रही है। घटना होना एक बात है और कार्रवाई होना दूसरी। घटना हुई तो कार्रवाई भी तत्काल हुई। इस केस को मीडिया का एक वर्ग और विपक्ष हाथरस जैसी विभत्स घटना से कंपेयर करके प्रदेश और देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। राजस्थान में कोई घटना होती, घटना कहीं हो सकती है, पर घटना होने के बाद में कार्रवाई करना दूसरी बात है और लापरवाही करना दूसरी बात है। जो लापरवाही हाथरस में की गई, रात को 2 बजे आप बच्ची के अंतिम संस्कार कर दो, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं आज तक। कैसी भी होती है, कोरोना के छूट करके, कोरोना के अंदर भी 20 लोगों की छूट दी गई है परिवार वालों को दाह संस्कार के अंदर, कोरोना के अंदर भी। और आप देख लीजिए कि बिना कोरोना कभी भी अंतिम संस्कार में बॉडी पहले सौंपी जाती है परिवार वालों को। शहीद होते हैं बॉर्डर पर, उनकी बॉडी भी गांव तक आती है, हेलीकॉप्टर प्लेन से आती है। इतना सम्मान देने की बात हमेशा रही है, हमारे देश की संस्कार संस्कृति है। उसमें रात को पुलिस के देखरेख में आप दाह संस्कार कर दो और माँ बिलखती रहे। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।